वेलकम बैक टू अल अजीज यूट्यूब चैनल, दिस इज रऊफुर रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट कुछ दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसका रीजन ये था कि यूट्यूब चैनल पे कुछ टेक्निकल एरर आया हुआ था, उसकी वजह से हम लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाए। अब वो एरर खत्म हो गया, अब हमने स्टार्ट किए लेक्चर्स अपलोड करना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कंपनीज का। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टैक्स रेट्स आर पर्सन्स डिस्कस पिछले लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके थे। फिर हमने टैक्स रेट्स डिसाइड की थी कि किस पर्सन की क्या टैक्स रेट रहेगी। उसमें जैसे हमने इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा, एचयूएफ के बारे में पढ़ा, फर्म्स के बारे में पढ़ा। फिर डिस्कशन हुआ था एक कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी भी दो टाइप की है, एक है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी है फॉरेन कंपनी, जिसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है। उसका डिस्कशन भी हो चुका है, प्लस साथ साथ टैक्स रेट्स क्या एप्लीकेबल है। जैसा मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं आपको, टैक्स रेट्स एप्लीकेबल जैसे हमने कहा था, अब इफ इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर एक्सीड नहीं होता 400 करोड़ से या 400 करोड़ है, तो उसकी टैक्स रेट एप्लीकेबल 25% है। एज कंपेयर टू द फॉरेन कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल टैक्स रेट है 40%। फिर हमने कहा था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड होता है तो उसकी टैक्स रेट जो बनेगी वो 30% होगी। फिर हमने पढ़ा था फॉरेन कंपनी, इसकी जो टैक्स रेट एप्लीकेबिलिटी है वो है 40% की। लेकिन उस क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया था इनका सरचार्ज क्या लगेगा। नाउ इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे इनका सरचार्ज क्या है। टैक्स रेट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, नाउ वी विल डिस्कस सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज। नाउ लेट्स डिस्कस। तो पहली हमारी है डोमेस्टिक कंपनी। सर, डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट याद होगी आपको। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं सिर्फ आपको, सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज क्या एप्लीकेबल है, इसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। सर, पहली कंडीशन कहता है इफ द टोटल इनकम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में कि टोटल इनकम का क्या मतलब है। तो कहता है अगर टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 1 CR है, अगर आपकी इनकम 1 CR तक है, 1 करोड़ तक है, तो आपकी जो सरचार्ज की रेट एप्लीकेबल है वह है निल, यानी आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा। क्या मतलब हुआ सर? यह मतलब हुआ अगर डोमेस्टिक कंपनी का जो टोटल इनकम है वो एक्सीड 1 करोड़ से नहीं करती, तो आप पे जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज दैट विल बी 0 और दैट विल बी निल। नाउ If the total income is more than 1 crore, but less than 10 crore or equal to 10 crore, then the applicability of surcharge rate is 7%. तो आपके लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल, सरचार्ज की रेट जो एप्लीकेबल होगी वो 7% होगी। कंडीशन क्या याद रखनी है सर? अगर 1 crore तक हमारा जो टोटल इनकम है तो आप पे लगेगा 0% सरचार्ज, और अगर 1 crore से एक्सीड होता है 10 करोड़ तक, तो आपकी एप्लीकेबिलिटी रेट जो सरचार्ज की होगी वो होगी 7%। लेकिन सर, इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 10 crore, सर अगर हमारी इनकम, डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 crore से ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए जो एप्लीकेबिलिटी सरचार्ज की है वो है 12%। तो याद, आपने तीन ही कंडीशंस रखनी है, 1 crore या 1 crore से कम निल टैक्स रेट लगेगी सरचार्ज की, अगर 1 crore से ज्यादा लेकिन 10 crore से कम है तो फिर आप पे एप्लीकेबिलिटी आएगा 7%, और अगर 10 crore से ज्यादा हो गया, अब जितना भी ज्यादा हो जाएगा उस पे लगेगा आपको 12%। और याद होगा आपको मैंने कहा था सरचार्ज लगेगा किस पे, जो टैक्स आपका बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी तो 25% / 30% जितना टैक्स बनता है उस पे लगेगा फिर सरचार्ज। इसके बाद और एक टैक्स लगता है अगर आपको याद होगा, तो वो था एजुकेशन सेस विच इज 4%, जो हर किसी केस में सेम लगता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की टैक्स रेट आपको याद होगी विच वॉज 40%। नाउ वी विल डिस्कस सरचार्ज। सर अगेन वही बात कि अगर आपका टोटल इनकम
1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो आप पे सरचार्ज अगेन निल रहेगा, यानी आपसे सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। बट अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 1 करोड़ से, कंडीशन सेम है, 1 करोड़ से एक्सीड करता है बट अप टू 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है तो आपको लगेगा 2%। रेट डिफरेंट है बट द कंडीशंस आर सेम, सिर्फ रेट्स में डिफरेंट है। रेट्स यहां पे एप्लीकेबल है 7%, यहां उसी जगह रेट एप्लीकेबल है 2%। फिर कहता है इफ द टर्नओवर, सॉरी, इफ द टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़, अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आपसे सरचार्ज लिया जाएगा 5%। अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक कंपनी में 12% लिया जाएगा, फॉरेन कंपनी में 5% लिया जाएगा। अगर आपको याद हो जो लॉ ने लास्ट टाइम इनकम टैक्स लॉ ने थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन की थी, कहा अगर डोमेस्टिक कंपनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उनसे टैक्स ले लेंगे 30%, लेकिन फॉरेन कंपनी के केस में कहा था हम इनसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% ले लेंगे। लेकिन अब सरचार्ज के डोमेस्टिक कंपनी पे सरचार्ज ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज कम लगा रहे हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं है। नाउ मुझे कुछ चीजें हैं, ये तो हमारा डिस्कशन हो गया था टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू 7% जिनका डिस्कशन हुआ था। अब कुछ टैक्स रेट्स है जो एप्लीकेबल होती है किसी किसी इनकम पे, जो मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपका अगर लॉटरी की इनकम है, क्या लॉटरी की इनकम सेम टैक्स रेट एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। तो कौन सी रेट एप्लीकेबल है? नाउ लेट अस डिस्कस दैट। इनकम टैक्स में दो सेक्शंस हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आपका डिटेल डिस्कशन में नहीं कर सकता, स्टिल जितना जितना मुझे लगता है कि आपके सिलेबस का पार्ट बन सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो मैं वो चीजें आपको कवर करा रहा हूं। अब सीन क्या है, इनकम टैक्स में दो सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 115BB, ये जो मैंने लिखा 115BB, दूसरा 115BEE। आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सेक्शन है 115BB ये बात करता है लॉटरी के बारे में। सेक्शन 115BB कहता है कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम लॉटरीज है, जैसा कि अभी डिस्कस करूंगा मैं, तो हम आपसे डायरेक्ट टैक्स वसूल करेंगे 30%। क्या मतलब सर? मैं आपसे साथ डिस्कस करता हूं। सर अगर हमारी विनिंग्स है, अगर हमने पैसा कमाया, कहां से सर कमाया? मैं सेक्शन 115BB की बात कर रहा हूं। क्या सर इन पे वो जो नॉर्मल टैक्स रेट्स हमने पढ़ी थी 7% के बारे में, क्या वो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। क्या सर अगर इंडिविजुअल कोई कमाता है वो उसके पे जो एप्लीकेबल टैक्स रेट थी वो नील 2 लाख तक कुछ नहीं, फिर 5%, क्या वो एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। इनके लिए है स्पेशल टैक्स रेट्स, विच आर, पहले ये डिस्कस कर लेते। कहता अगर आपकी कमाई है, विनिंग्स कहां से कमाई है? आपने कोई लॉटरी का है, लॉटरी से आपकी अर्निंग्स है, या कोई क्रॉसवर्ड पजल्स है जो पेपर वगैरह न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं वैसे भी, या आप रेसेस से कमाते हैं, कौन से वाले रेसेस? इंक्लूडिंग हॉर्स रेस एटसेट्रा, कार्ड गेम्स या अदर गेम्स, किसी भी टाइप की कोई भी गेम अगर हो, प्लस या आप गैम्बलिंग बोलो या आप बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म बोलो, तो ये सारे कवर होते हैं लॉटरीज वगैरह में। इन सारी चीजों पे एप्लीकेबल सेक्शन होता है 115BB। दैट मींस अगर इनमें से कहीं से भी आपकी इनकम है तो उस पे डायरेक्टली टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होगी वो होगी 30%। सर फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे लास्ट लास्ट ईयर शायद कश्मीर में एक लॉटरी वाला सीन था, वो ऑनलाइन वाला जो जिसका नाम था कौन बनेगा कश्मीरी करोड़पति, आप उसकी बात ले लो, या आप अमिताभ बच्चन वाली वो कौन बनेगा करोड़पति की बात ले लो। सर क्या वहां पे जो लोग पैसे कमाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख रुपए कमा ले, क्या सर उसको 10 के 10 मिलेंगे? आंसर इज नो। तो उसके साथ क्या सीन होगा, अगर उसने 10 लैक्स कमाए उनको क्या करना पड़ेगा, जो लॉटरी के पैसे आपको दे रहे हैं उन पे एक प्रोविजन है इनकम टैक्स का, वो कहता है आपको 10-30% जो टैक्स रेट भी एप्लीकेबल है वो कहता है टीडीएस काटना पड़ेगा। उसका डिस्कशन में नेक्स्ट फ्यूचर लेक्चर्स में करूंगा। तो आपके साथ क्या होगा, अगर आप उस लॉटरी में या आप उस गेम में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके यहां 30% काट लिया जाएगा एज अ टैक्स, जिसे हम कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपके हाथ में कितना आएगा? ओनली 7 लैक्स। तो जितने भी
लोगों ने, चाहे वो कश्मीरी हो या कहीं पे इंडियंस हो, जितने भी उन लोगों ने पैसे कमाए उस पे 30% काटे होंगे? आंसर इज यस. क्यों सर? क्योंकि उस पे सेक्शन एप्लीकेबल होगा 115BB. तो चाहे अब कोई भी लॉटरी हो या कोई भी आप गेम से, बेटिंग से, आप गैम्बलिंग से कोई पैसा कमाते हैं, तो उस पे टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होती है वो टैक्स रेट इज 30%. नाउ एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो लॉटरीज के बारे में. अगर आपने कभी लॉटरी में पार्टिसिपेट किया हो या कभी लॉटरी टिकट खरीदी हो, इस लॉटरी में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख की लॉटरी है, मान लीजिए आपकी लॉटरी 10 लाख की लग गई, उसके बाद आपको सीन क्या रहता है? मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं आपको. अगर 10 लाख की लॉटरी आपकी लग गई, इस 10 लाख में आपके साथ ये कहा जाता है, ये जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो कहता हम आपका 20% हम रख देंगे और 80% लॉटरी का आपको मिलेगा. अब मेरी पेमेंट अगर 10 लाख की है तो इसको 2 लाख मिलेंगे, मुझे 8 लाख मिलेंगे. क्या सर टीडीएस 10 लाख पे कटेगा या टीडीएस सिर्फ 8 लाख पे कटेगा? तो टीडीएस सिर्फ 8 लाख पे कटेगा. अगर आपकी ये 2 लाख आपके लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़े तो ये 2 लाख आपके माइनस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो टैक्स लगेगा 30% जो रेट एप्लीकेबल होगी, वो 30% रेट जो एप्लीकेबल होगी वो होगी सिर्फ 8 लाख पे. अगर अब सीन क्या है, आपने दो लोगों ने लॉटरी ली, आपने कंबाइंड लॉटरी ली, 2 persons, 3 persons, 4 persons, या आपने अकेले भी ले ली, दोनों डिस्कशन कर लेता हूं मैं. अगर आपने अकेले ले ली फिर आप कह रहे हैं मैं 50% किसी और को दूंगा, तो क्या उस 50% पे टैक्स लगेगा? आंसर इज यस. लॉटरी जितनी आपको मिलती है आप उसको अगर डाइवर्ट करते हैं किसी और जगह पे, तो क्या उससे आप टैक्स से बच पाएंगे? आंसर इज नो. आप पे टैक्स रेट जो एप्लीकेबल होगी वो 30% एप्लीकेबल होगी. इसका एक ही डाइवर्जन पॉसिबल है जहां पे आपको डिडक्शन मिल जाती है, वो ये है अगर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको कुछ पैसे देने पड़े तो वो पैसे माइनस हो जाते हैं जो आपके हाथ में आता है, उस पे फिर टीडीएस आपका यानी टैक्स जो लगेगा 30% वाली रेट लगेगी. ये था डिस्कशन सेक्शन 115BB के बारे. नाउ लेट अस डिस्कस सेक्शन 115BE. BBE किसके बारे में बात कर रहा है? BBE कहता है अनएक्सप्लेन्ड मनी. देखो मुझे एक्चुअल में डिस्कस करनी है आपकी टैक्स रेट, लेकिन उस टैक्स रेट को हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ये टैक्स रेट लगेगी कब. अदरवाइज मेरा मतलब है अभी टैक्स रेट से, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा हूं टैक्स रेट्स का. फिर भी रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं है इसमें. तो सेक्शन 115BB कब एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी, यानी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके यहां कुछ पैसे पकड़े, उन्होंने रेड लगाई और आपके यहां से पैसे मिले 10 करोड़ 20 करोड़ जितना भी मिला, और आप उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे ये पैसा किस चीज का है. या तो एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लेकिन असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा आपके जवाब से. तो अगर आपके यहां कभी भी रेड पड़ती है और आपके यहां से पैसे मनी कैश निकलेगा, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा पैसा आया कहां से. तो अब आप उस चीज को, ऑब्वियसली बात, क्योंकि लॉ बहुत जगहों पे ऐसा है कि आप कैश में ज्यादा पैसा नहीं रख सकते क्योंकि ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे थे जो कि रेड में फंस गए, इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, पैसे फंस गए. तो अगर अब आप उस पैसे को बता ही नहीं पा रहे कि ये पैसा कहां से आया, क्या आया, हो सकता वो 2 नंबर का पैसा हो या किसी और गलत चीज से पैसा कमाया हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, कर नहीं पा रहे, या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं बट असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन, तो वो अनएक्सप्लेन्ड मनी कहलाएगी. या रेड पड़ते पड़ते आपकी कोई इन्वेस्टमेंट फंस गई, आपने कहीं पे 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए जो आपने अपने ITR में डिस्क्लोज नहीं किए, यानी जो सरकार को नहीं पता थे, और अगर आपके यहां इन्वेस्टमेंट फंस चुकी है कितनी भी अमाउंट की हो, तो अब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा आप झूठ कह रहे हैं, कोई भी सीन है उनके पास, वो सेटिस्फाई आपकी एक्सप्लेनेशन से नहीं हो रहे. तीसरा जो टॉपिक है एक्सपेंडिचर का, सर ये पॉसिबल कैसे सीन है? फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी जगह पे कहीं पे भी रेड कर सकते हैं. अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कि ये एक्सपेंडिचर वाला क्या सीन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की एंगेजमेंट हो रही हो, अब कोई
बाप अपनी बेटी की, अपने बेटी की एंगेजमेंट करा रहा है। अब उस एंगेजमेंट पे उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया, उसने बहुत ज्यादा खर्चा किया। क्या इनकम टैक्स यहां पे रेड लगा सकता है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स यहां रेड लगा के ये पूछ सकता है कि आपने इतना खर्चा इस एंगेजमेंट पे किया, इस मैरिज, हो सकता है मैरिज या और कोई फंक्शन हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो, अब आपने उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया, बहुत ज्यादा खर्चा किया, अब इनकम टैक्स की रेड भर गई। इनकम टैक्स आपसे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेगा, आप एक्सप्लेन करो इतना खर्चा आपने, इतने पैसे लाए कहां से। तो अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो भी एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, असेसिंग ऑफिसर यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर एक्सपेंडिचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए या एक्सप्लेन किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो भी अनएक्सप्लेन्ड में आ जाएगा। तो तीन बातें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं दो थो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनी जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या कोई इन्वेस्टमेंट थी आपके पास, या कोई आपने बड़ा खर्चा किया जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सरकार कहता हम आप पे टैक्स रेट जो लगाएंगे दैट इज 60%, विच इज डबल ऑफ 115BB। तो लॉ कहता है कि आपने ये पैसे छुपा के रखे हैं सरकार से, तो हम आप पे टैक्स कितना लगाएंगे? हम आप पे टैक्स लगाएंगे 60%। इतना ही नहीं, लॉ कहता है अगर ऐसा सीन है तो एक्चुअल टैक्स रेट जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगी वो क्या होगी? एक तो आपसे 60% वसूल करेंगे, प्लस आपके साथ 25% एजुकेशन सेस, प्लस 4% सॉरी 25 सरचार्ज, 25% सरचार्ज लगेगा, 4% एजुकेशन सेस लगेगा, और अल्टीमेटली जो एक्चुअल टैक्स रेट विच विल बी एप्लीकेबल दैट विल बी 78%। सर 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 मेरा डाउट, सर अब मैंने जो ये इन चीजों पे कोई खर्चा किया होगा, जैसे कोई एक्सपेंडिचर है, क्या उसकी मुझे डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो। सर लॉ कहता है कि अगर आप ऐसे फंसे, फिर आप कहेंगे कि सर हमने तो खर्चा किया, क्या वो खर्चा आपको मिलेगा? आंसर इज नो। जितना एक्सपेंडिचर वहां होगा या जितने पैसे फंसे या जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, डायरेक्ट उस पर कितना परसेंट लगाया जाएगा? 78%। ये 78% बना कैसे? 60%, 25% प्लस 4%। 60% हो गई टैक्स रेट, 25% हो गया सरचार्ज, 4% हो गया एजुकेशन सेस जो हर केस में लगता है। अब सर बात आती है, अगर क्वेश्चन आता है ओवरऑल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल ऑन अनएक्सप्लेन मनी, अगर इस टाइप का 115BBE का टॉपिक आया तो आप नॉर्मल आंसर देंगे 60%, लेकिन अगर वो कहता है एक्चुअल टैक्स रेट विच विल बी एप्लीकेबल दैट इज 78%, लेकिन अगर लॉटरीज के केस में है तो वो है आपका 30%। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अगला टॉपिक क्या है जो मैं आपके लिए लेके आ गया, एक्सेप्टेड इनकम, जो मुझे लगता है ये टॉपिक आपके लिए जरूरी है या आपका यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। टॉपिक है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। क्या सर आप सारी एग्जेम्प्टेड इनकम्स डिस्कशन कर रहे हैं? आंसर इज नो। मैं सारी एग्जेम्प्टेड इनकम्स का डिस्कशन नहीं कर सकता, बट जितनी मुझे लगता है आपके लिए बहुत जरूरी है और मोर देन एनफ है, उतना मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सर, एग्रीकल्चर इनकम। बार बार ये डिस्कशन यहां से, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आ सकता है, और ये सारे पॉइंट्स इसीलिए मैंने लिखे, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। पहला है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। क्या सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है और जनरल रूल? आंसर इज यस। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा, उतना सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन जनरल रूल है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। क्या सर एग्रीकल्चर इनकम होना जरूरी है या वो कहां की एग्रीकल्चर इनकम है वो जरूरी है? दोनों चीजें जरूरी है, एक तो एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, दूसरा सर एग्रीकल्चर इनकम, सर मेरी जमीन ना फॉरेन कंट्री में है, मैं वहां पर खेती बाड़ी करता हूं, मैं वहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाता हूं, तो वहां से मुझे इनकम आती है, तो क्या वो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? तो आंसर इज नो। तो फिर सर कौन सी वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? मैंने आपके साथ हल्का सा उसका डिस्कशन किया। सर इट शुड बी एन एग्रीकल्चरल इनकम।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है ये एग्जम्प्ट है, लेकिन सर अगर एग्रीकल्चर इंडिया में है सिचुएटेड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है जिसपे आप ये प्रोड्यूस बनाते हैं जिससे इनकम आपको मिलती है, अगर वो सिचुएटेड है इंडिया में तो ही एग्जम्प्ट है सर, अगर वो आउटसाइड इंडिया तो फिर आपके लिए एग्जम्प्ट नहीं है। तो यहां पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, कहता है एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन इंडिया से नहीं आउटसाइड इंडिया से है तो क्या वो टैक्सेबल होगी, तो योर आंसर शुड बी यस, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इनकम तो है लेकिन द लैंड जहां से आप प्रोड्यूस करते हैं इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, इट शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया इन ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट द एग्रीकल्चरल इनकम। सर अब इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन है, पहले एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मुझे लगता है कि इतना आ सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है इंडिया में, आंसर इज यस, लेकिन लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया और वो भी एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर लैंड से क्या मतलब, लंबा डिस्कशन है, इस पे हम नहीं आते, हम वापस आते हैं। तो मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चरल लैंड कहां होनी चाहिए सिचुएटेड, इंडिया में, तो आपके लिए फिर एग्जेम्प्ट है। दूसरा अगर सर आउटसाइड इंडिया है तो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर टू, सर जो इनकम एग्रीकल्चर इनकम उस लैंड से आती है विच इज ऑल्सो सिचुएटेड इन इंडिया, क्या हर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, आंसर इज यस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। तो क्या एक्सेप्शंस है मैं आपको बता दूं सर, एक्सेप्शंस मैंने आपके लिए लिखे, पहली एक्सेप्शन मैंने लिखी रबर ग्रोन इन इंडिया। सर अगर आप रबर ग्रो करते हैं उस रबर को फिर सेल कर देते हैं तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है, आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्या वो सर सारी एग्जम्प्ट रहेगी, आंसर इज नो। तो लॉ कहता है अगर आपकी इनकम रबर ग्रो कर रहे हैं आप, आपकी रबर बेचने से आपको कोई इनकम आ रही है, यू मस्ट बी अ ब्रोकर, यू मस्ट नॉट बी अ ब्रोकर। सर अगर आप ब्रोकर बीच वाले बंदे फिर रबर को सेल परचेस करते हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो कल्टीवेटर की बात हो रही, इट शुड बी अ कल्टीवेटर जो रबर ग्रो करता है फिर उस रबर को सोल्ड करता है। तो लॉ कहता है जितनी उसकी सेल प्रोसीड्स होंगी, जितना उसको पैसा मिलेगा, उसमें से 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। जितना उसको मिलेगा उसमें से 65% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरी बात सर, 35% विल बी कॉल्ड बिजनेस इनकम, जो आपके लिए टैक्सेबल रहेगी। सर ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं लेकिन रबर ग्रो करते हैं, उसको सोल्ड करते हैं, तो जितना आप पैसा कमाते हैं, जितने आपके सेल प्रोसीड्स है, उस सेल प्रोसीड का 65% विल बी कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम विच विल बी एग्जेम्प्ट, एंड 35% विल बी कॉल्ड बिजनेस इनकम विच विल बी टैक्सेबल, जो आपका टैक्सेबल होगा। दूसरा जो मैं एक्सेप्शन बता रहा हूं, दूसरा है टी वाला। सर अगर आप ग्रो करते हैं इंडिया में टी वगैरह, ब्रोकर की बात मैं फिर से नहीं कर रहा हूं, ब्रोकर का फुल टैक्सेबल रहेगा, मैं ग्रोवर की बात कर रहा हूं जिसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है। कहता अगर आप इंडिया में टी ग्रो करते हैं तो टी ग्रो करना क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है, आंसर इज यस, लेकिन सर लॉ कहता है आपकी जो टी है उससे जो आपको सेल प्रोसीड्स आएंगे उसका 60% जो है एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, जो कि एग्जेम्प्ट रहेगा, एंड 40% विल बी कॉल्ड बिजनेस इनकम, जो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम टी के बारे में। तो जो इंडिया के टी ग्रोवर्स हैं, जो चाय वगैरह बनाते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनके लिए लॉ कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और वह एग्जेम्प्ट रहेगा, और उसके बाद जो 40% बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, जो कि टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉफी। सर जो इंडिया में कॉफी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि टैक्स रेट्स इनके लिए ये बिजनेस कितना माना जाएगा और आपका एग्रीकल्चर कितना माना जाएगा, वो इन तीनों के लिए डिफरेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों को अलग लिखा है। तो कहता है कॉफी के लिए, कॉफी का और एक पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो आपके लिए जरूरी नहीं, ये वाला जरूरी है। तो कहता है अगर आप
कॉफी ग्रोवर्स है, अगर आप कॉफी बनाते हैं इंडिया में, तो उस कॉफी को फिर आप सोल्ड करते हैं, जो आपके सेल प्रोसीड्स आएंगे, सेल प्रोसीड्स का 75% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, जो कि आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी, और उसका 25% क्या बिजनेस इनकम मानी जाएगी, जो कि टैक्सेबल रहेगी। आपने हल्के से ये परसेंटेजेस याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आप रबर की कमाई, रबर को सेल करते हैं, तो परसेंटेज रहेगी 65%, 35%। अगर आप टी से कमाते हैं, तो 60-40 की परसेंटेज रहेगी, और अगर आप कॉफी से, उस कॉफी प्रोसीड से पैसा कमाते हैं, तो आपकी परसेंटेज जो रहेगी 75% एग्रीकल्चर इनकम विच विल बी एग्जम्प्ट, एंड 25% विल बी बिजनेस इनकम विच विल बी टैक्सेबल। नाउ सर, एक डिस्कशन और मैं करूंगा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, लेकिन डिटेल वो भी नहीं कर पाऊंगा, हल्का सा आइडिया दे देता हूं। क्या सर एग्रीकल्चर इनकम जितनी मिलती है सारी एग्जेप्ट है? आंसर इज नो। सरकार क्या कहती है इसके बारे में? लॉ कहता है कि जितनी, क्योंकि जनरल रूल इंडिया में, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से या जिन्होंने टैक्सेशन नहीं पढ़ी है, उनसे अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे क्या एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है इंडिया में, तो वो आंसर देंगे यस, जो कि ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इज एग्जम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट इन इंडिया। बट लॉ कहता है अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं है, एंड आपकी जो अदर इनकम है, यानी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं करता, जो 2,50,000 वाली कंडीशन थी, तो अगर 5,000 से कम है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2,50,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए जो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। तो इसका मतलब आपको एक वर्ड फिर से याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5,000 आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, इफ योअर एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड्स 5,000 रुपीज, तो आपके लिए वो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मैं वो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, डिटेल डिस्कशन, वो एक एंगल से एग्जम्प्ट भी हो जाता है, टैक्सेबल भी हो जाता है, उसका डिस्कशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैं जनरल रूल, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर एग्जम्प्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, ये वाली कंडीशन याद नहीं। हाँ, अगर इस टॉपिक पे हल्का सा आइडिया मिला कि आप 5,000 तक की है, अगर ऐसा कोई आपके लिए आंसर होगा, तो आप 5,000 का आंसर दे सकते हैं। नहीं तो मैं ये पूरा डिस्कशन करूंगा, तो इस पे तो 2-4 लेक्चर इसी पे चले जाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल हो जाती है, तो वो मेरा टॉपिक इस बार नहीं बनेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ये मैं पढ़ा क्या रहा हूं, वो वाली इनकम्स जो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट क्या कहा मैंने? मैंने कहा अमाउंट रिसीव्ड, किसने रिसीव किया? सर कोई भी मेंबर एचयूएफ का। अमाउंट रिसीव्ड, किसी भी पर्सन, किसी भी मेंबर ने किसी एचयूएफ का कहां से रिसीव किया? एचयूएफ से। मतलब सर, मतलब ये हुआ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टैक्स रेट्स, फिर टैक्स रेट में मैंने कहा था एचयूएफ पे कौन सी रेट एचयूएफ पे है, क्योंकि एचयूएफ में तो बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं। तो एचयूएफ मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, अगर एचयूएफ कमा लेता है 10 लाख रुपए, इस पे लग जाएगा टैक्स, किस पे लग जाएगा? एचयूएफ पे। सर मान लो टैक्स इन पे काट के आपकी इनकम बचती है फॉर एग्जांपल 5 लाख। अब ये 5 लाख वाली इनकम जो टैक्स काटने के बाद है, ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी अमंग मेंबर्स, जो उनको मैंने कहा था को पार्सनर्स। तो यहां जितने भी एचयूएफ के मेंबर है, टैक्स काटने के बाद जो पैसा बचता है वो किनको मिलेगा? मेंबर्स को मिलेगा। जब सर वो मेंबर के हाथ में पैसा आएगा, क्या वो तब टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, तब वो एग्जम्प्ट रहेगा, जो कि मैं यही बात कर रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम एचयूएफ। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार, यहां इनकम टैक्स लॉ कहता है हम कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं कर सकते। लॉ हमेशा कोशिश करता है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर पाए। अब लॉ क्या यहां पे कहता है? लॉ कहता है भाई एक बार मैं एचयूएफ पे टैक्स लगा चुका हूं, इसी इनकम पे, सेम इनकम में मैं दोबारा टैक्स नहीं लगा सकता। इसलिए क्या कहता है, अगर एचयूएफ बाद में वो इनकम जिस पे टैक्स लग चुका है डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स करता है या अमंग द मेंबर्स करता है, तो मेंबर के हाथ में वो जो इनकम उसने रिसीव की विल बी एग्जेम्प्ट। ये आपने याद रखा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, ये हो गया था एचयूएफ के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो है शेयर ऑफ इनकम टू द पार्टनर्स।
सर सर क्या मतलब? अगेन वही बात है एचयूएफ की. मैंने कहा आपसे, अगर आपको याद होगा, फर्म के बारे में टैक्स रेट जो थी वो 30% थी. लॉ कहता है फर्म को टैक्स लगाएंगे 30% से. वही सेम एग्जांपल सर, अगर कोई फर्म है, अगर कोई फर्म है जिसकी इनकम 10 लाख है, इस पे फॉर एग्जाम्पल 30% टैक्स, तो मीन्स 3 लाख. आपको कितना पैसा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, जिसे हम पीएटी कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स. सर इस 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, किस रेशो में, पीएसआर, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं. सर वही वाला कॉन्सेप्ट अगेन आता है. एक बार फर्म पे टैक्स लग चुका है, अब जब उस इनकम पे टैक्स लग चुका है, टैक्स लगने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं पार्टनर्स में, तो क्या वो सर एग्जम्प्ट रहेगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर? आंसर इज यस, पार्टनर के हाथों में वो एग्जम्प्ट रहेगा. लेकिन सर ऐसा क्यों? क्योंकि उस पे टैक्स लग चुका है फर्म के हाथों में, इन द हैंड्स ऑफ फर्म ये वो टैक्स लग चुका है. अब जब वही पैसा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब वो एग्जम्प्ट रहेगा. तभी मैंने लिखा शेयर ऑफ इनकम. कौन सी वाली इनकम? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो आपको इनकम, मैं हल्का सा आइडिया लिख लेता हूं, पीएटी जो मैंने डिस्कस यहां पे किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा. ये है नेक्स्ट एग्जेम्पशन जो थी. और प्रॉफिट का शेयर कहां से मिले? फर्म्स. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. मैंने एक टॉपिक नीचे लिखा है, बाद में डिस्कस करते हैं, इससे पहले मैं ये वाला डिस्कस करता हूं. सर क्या वैसे आपको आइडिया होगा कि यहां एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स मिलते हैं? अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं या कोई एजुकेशन में आप आगे है, आपकी एक्सलेंस अच्छी है, तो आप स्कॉलरशिप आपको मिल जाते हैं, या आपको कोई भी अवार्ड मिलता है, कोई भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है आपको, या कोई आपको अवार्ड मिलता है कहां से? लेकिन सरकार से अगर आपको मिलता है कोई भी स्कॉलरशिप या कोई अवार्ड मिलता है, तो वो आपके हाथों में एग्जेम्प्ट रहेगा. सो वो टैक्सेबल सरकार नहीं करेगी. रिपीट कर रहा हूं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप या कोई भी अवार्ड आपको मिल रहा है कहां से? गवर्नमेंट से, तो वो आपके हाथों में एग्जेम्प्ट, वो टैक्सेबल नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक आता है, मैंने लिखा कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन मीन मुआवजा, किसके ने रिसीव की ड्यू टू डिजास्टर. सर अगर किसी जगह पे है, कहीं पे भी कोई डिजास्टर होता है, जैसे लास्ट टाइम नेपाल में डिजास्टर आया था, क्योंकि मैं नेपाल का डिस्कशन नहीं कर सकता, अलग कंट्री है, उनका टैक्स लॉज जो है अपने टैक्स लॉज है, मैं भी इंडिया की बात कर रहा हूं. जैसे सर कौन सा डिजास्टर, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, डिजास्टर लास्ट टाइम कश्मीर में आया था फ्लड की वजह से, तो हर किसी को याद होगा या हर किसी को पता होगा फ्लड आया था. फ्लड के बाद सरकार ने आपको बहुत ज्यादा कंपनसेशन दिया, किसी भी सूरत में काइंड या कैश आपको कॉम्पनसेशन मिला, आपने कॉम्पनसेशन रिसीव किया. और रीजन क्या था कॉम्पनसेशन रिसीव करने का? सर कोई डिजास्टर होता है उसकी वजह से कॉम्पनसेशन मिलता है, तो आपके हाथों में वो क्या रहेगा बेटा? एग्जेम्प्ट रहेगा. क्या मतलब सर? उस पे टैक्स नहीं लगेगा. आंसर इज नो, उस पे टैक्स नहीं लगेगा. फिर नेक्स्ट टॉपिक में लेके आ गया आपके लिए सर्टन पेमेंट्स. सर्टन सारी पेमेंट्स नहीं, कुछ कुछ पेमेंट्स उसका डिस्कशन में करूंगा. सर्टन पेमेंट्स टू एमपीज. एमपी मींस मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ये हो गया पार्लियामेंट के, ये हो गए स्टेट जो आपका स्टेट सेक्रेटेरिएट होगा उसके जो एमपीज या एमएलए होते हैं, वही होते हैं. इनको दो टाइप की अलाउंसेस मिलती है. पहली अलाउंस इनको मिलती है, उसका नाम है डेली अलाउंसेस. तो सारी इनके लिए सारी चीजें एग्जम्प्ट है सर? नो. तो फिर क्या क्या? एक डेली अलाउंसेस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस. ये दो अलाउंसेस एमपीज और एमएलएज के लिए एग्जम्प्ट रहेगी. सर अगर इनको ये दो अलाउंसेस मिलती है तो क्या ये इनके हाथों में टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, ये इनके हाथों में एग्जम्प्ट रहेंगे. ये था डिस्कशन सर्टन, इसलिए मैंने लिखा सारी चीजें एग्जाम नहीं होंगी, सिर्फ ये दो चीजें या ये दो अलाउंसेस आपके लिए एग्जाम्प्ट रहेंगी. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट. सर एनआरई अकाउंट का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट. ये वो बंदा खोल सकता है जो नॉन रेजिडेंट हो.
इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर देता है फेमा एक्ट के हिसाब से। एक एक्ट होता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में अकाउंट खोल सकता है जो कि नहीं माना जाएगा इंडिया में अकाउंट है। मतलब क्या हुआ सर, एक अकाउंट हो गया कि क्या फॉरेनर यहां पे सेविंग अकाउंट बाय कोई दूसरा अकाउंट खोल सकता? आंसर इज यस। वो अगर यहां पे कोई सेविंग वगैरह अकाउंट खोलता है तो उस पे इंटरेस्ट आती है, वो टैक्सेबल रहेगी, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा अकाउंट जिस अकाउंट का नाम होगा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये ऐसा अकाउंट ही, ये है तो इंडिया के बैंक्स में लेकिन एक एंगल से ये बाहर का अकाउंट है, यहां नहीं है। तो अगर इस अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है क्या वो टैक्सेबल रहेगा? आंसर इज नो, वो इस नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जम्प्ट रहेगा। तो मैंने इसीलिए क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट ऑफ अ पर्सन, लेकिन वो खुद क्या होना चाहिए, रेजिडेंट आउटसाइड, नहीं वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट का अकाउंट इंडियन बैंक में है, यहां पे उसने अकाउंट खोला है, लेकिन अकाउंट कौन सा होना चाहिए, एनआरई अकाउंट, जिसे हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो इस पे जो आपने पैसे यहां जमा किए हैं उस पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो सर एग्जम्प्ट हो गया टैक्सेबल? तो आंसर इज वो एग्जम्प्ट रहेगा इनके हाथों में, क्योंकि मैं पढ़ाई रहूंगा एग्जम्प्टेड इनकम। सर एग्जम्प्टेड इनकम अगर किसी को आइडिया ना हो, वैसे डिस्कस कर चुका एग्जम्प्टेड मीनिंग जिन पे टैक्स नहीं लगता। तो ये था डिस्कशन इसके बारे में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये आज का डिस्कशन रहा, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस।